अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 101। और आज के इस लेसन में हम मैकेनिकल इक्विपमेंट ड्रॉ करेंगे या फिर मैकेनिकल की कुछ शेप्स हम ड्रॉ करेंगे जो कि टू डायमेंशंस में होगी। तो आज के इस लेसन में हम बनाएंगे जी बाल स्क्रू कैप जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है, और उसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि सर्कल का यूज़, रेडियस, डायमीटर एंड चैम्फर का यूज़ हम कैसे करते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूं, और उससे पहले मैं आपको अपनी ड्राइंग बताता हूं जिस पे काम करना है। तो आपको ये ड्राइंग नज़र आ रही होगी, इस पे हमने काम करना है। तो स्टूडेंट्स, इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रेडियस या फिर डायमीटर दिया हुआ है या फिर आपकी जो डायमेंशन दी हुई है, तो ये डेसीमल में 1.5 और ये डेसीमल में आपके इंचज या मिलीमीटर्स वगैरह में नहीं है। तो जो ज़्यादातर ड्राइंग्स हैं मैकेनिकल की, उनमें डेसिमल में दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट ड्राइंग्स में दी हुई हैं सारी की सारी यूनिट्स। तो हमने जो काम करना है उसमें ज़्यादातर, जब मैं आपको बताऊंगा कि अपने मिलीमीटर में रखने डायमेंशन, तो मिलीमीटर में काम करें, लेकिन काम करने का तरीका वही है। आप डायमेंशन कोई भी रख सकते हैं और उसके अलावा यूनिट्स भी आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो कि दी हुई है वो यूनिट्स जो दी हुई है डेसीमल में दी हुई, तो हमने डेसीमल में काम करना है। तो मैं अपने ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, यू एन एंटर करता हूँ, तो देखें आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे डेसीमल बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स दी हुई हैं। ओके, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रोजेक्ट जो बनाना है वो डेसीमल में बनाना है। तो अपनी ड्राइंग में देखते हैं, तो हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन दी है 1.5 है, और वर्टिकल लाइन जो है वो भी 1.5 है। ओके, तो मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ, कितनी है जी 1.5, एंटर 1.5, एंटर 1.5, एंटर एंड 1.5, एंटर। ओके, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ओके, अब जो काम करना है, आप इसमें क्या है जी, आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा अपनी ड्राइंग में, इसमें आप सर्कल दिया हुआ है, तो एक सर्कल का जो डायमीटर है 0.7 है और दूसरे का डायमीटर 1.1 है। तो 1.1040 को छोड़ें, बस मैं नॉर्मल यही देता हूँ 0.7 एंड 1.1। ओके, तो इसके लिए मैं सी एंटर करता हूँ, तो सी एंटर करने के लिए के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट आ गया देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देखें तो आपके पास मिड पॉइंट आ गया है। अब इन दोनों मिड पॉइंट का जो सेंटर है यहाँ पे, आप इसके मिड पॉइंट में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देगा, देखें देखें दोनों के मिड पॉइंट मिल गए, तो ये सेंटर, इसका सेंटर पॉइंट आ गया। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पर क्या करें, लाइन ड्रॉ करें एल इंटर इस मिड पॉइंट से यहाँ तक, और इस मिड पॉइंट से भी आप लाइन ड्रॉ करें। अब इन दोनों का जो पॉइंट जहाँ पर जॉइंट मिलता है, तो वहाँ से आप सी एंटर करें और सर्कल एंटर किया, और कितनी जी ड्राइंग है, बाहर अंदर वाला जो है वो 0.76 है और 0.76, तो आप 0.76 है और ये 0.76 डायमीटर है। तो आप देखें डायमीटर, आप अगर डायरेक्ट एंटर करेंगे तो रेडियस होगा, लेकिन हमने डायमीटर लेना है, डायमीटर के लिए डी एंटर करता हूँ, डी एंटर, और कितने जी मैं फिर से देख लेता हूँ, 0.76 है, 0.76 कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट 0.76 है, और नेक्स्ट जो है तो 1.10 है, 1.10 डायमीटर है, तो सी एंटर करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे 1.10 डायमीटर है, तो डायमीटर के लिए डी एंटर करें पहले आप, डी एंटर, और कितना जी 1.10। ओके जी, यहाँ पे ड्रॉ हो गया, और अब इसको आप डिलीट कर देंगे जो लाइन से। ओके, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास है यहाँ पे, ये सर्कल कुछ ड्रॉ किए हैं, देख सकते हो इनका रेडियस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है। तो ये सर्कल कहाँ से ड्रॉ हुए हैं और किस तरह ड्रॉ हुए हैं, उनका भी तरीका आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है, इसके बाहर वाले पॉइंट से कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है एक्सएल, और इस पॉइंट से अपने कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है, और यहाँ पर इस पॉइंट से अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है, इसी तरह इस पॉइंट से अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है, और यहाँ पे इस पॉइंट से आपने लेनी है अपने ऑब्जेक्ट, अपना जो आपका सर्कल है इसके बाहर वाले पॉइंट से। ओके,
अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इस कॉर्नर से सर्कल ड्रॉ करना है, इस कॉर्नर से। तो उसके लिए आप सी एंटर करेंगे, सी एंटर, सर्कल है। और सर्कल कितने हैं जी आपके पास? इसका रेडियस आप यहाँ पे देखें, डायमीटर नहीं दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है। तो एक रेडियस 1 है और एक रेडियस 0.7 है, 1 और 0.7। तो यहाँ पे हम रेडियस 1 1 देते हैं, और सॉरी 0.1 आई थिंक। सी एंटर, यस 0.1 है, 0.1 है, 1 देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 0.1। और दूसरा जो रेडियस है वो जी है 0.7 है, 0.07, 0.07 है। तो फिर आप सी एंटर करें, सेकेंड वन जो है वो है 0.07। ओके, अब यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिरर करता हूँ, एम आई एंटर करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से इस पॉइंट में, सॉरी मिरर, एम आई एंटर, सिलेक्ट किया, स्पेस एंड ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से नीचे की तरफ ले आता हूँ। ओके, इन दोनों को मिरर करता हूँ, तो एम आई एंटर, आप इसको सिलेक्ट करें, इन दोनों को, और यहाँ से इन दोनों को भी सिलेक्ट करें, स्पेस वेस करके यहाँ से इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट की तरफ ले जाएं। ओके, अब ये जो फालतू की लाइंस हैं इनको डिलीट कर दें, डिलीट कर दिया, और इसको भी डिलीट कर दें, कंस्ट्रक्शन लाइन को। ओके, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ जी। और अब जो काम है वो क्या है जी, चैम्फर कमांड अप्लाई करनी है। देखें इनके कॉर्नर आप देखें तो राउंड किए हुए, ये देखें कॉर्नर, अभी कॉर्नर कितने राउंड है, 0.04 है, आप देख सकते हैं चैम्फर कमांड जो अप्लाई हुई है 0.04 अप्लाई हुई है। तो उसके लिए आप 0.04 चैम्फर के लिए सी एच ए एंटर, कितनी है जी डिस्टेंस आपने देना है, यहाँ पे देखें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस के लिए डी एंटर, कितने जी 0.04 एंटर, और 0.04 एंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हमारे पास चैम्फर भी हो गया, देख सकते हैं। और देखते हैं हमारी ड्राइंग का क्या चीज़ रहती है ड्राइंग की। तो तकरीबन हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गया, और अब जो डायमेंशन देनी है तो आप डायमेंशन दे सकते हैं। तो डायमेंशन का जो तरीकाकार है वो क्या है वो आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है, तो आप यहाँ से लीनियर डायमेंशन है, लाइन है, रेडियस मालूम करना है, रेडियस मालूम कर सकते हैं, डायमीटर चेक करना है, डायमीटर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डायमेंशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसी के ऊपर 3D में काम करेंगे कि 3D में हम इसको कैसे ले जाएंगे और इन सर्कल्स का क्या फ़ायदा है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।